हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई नो कि वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि बीच में थोड़ा सा मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा था, बहुत सारे क्लासेस था, तो अभी आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है। तो आज जा रहा हूँ एक जन के घर, मेरे एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, तो एक छोटा सा शूट है, वो आएगा बाद में जब वो फिल्म रिलीज़ होगा। शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म का शूट है, वो रिलीज़ होगा तो मैं ज़रूर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। एंड तो अभी चलते हैं बाहर, मैं तैयार हूँ, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, सो अभी मिलते हैं जहाँ पे हम जाने वाले हैं वहाँ पहुँच के। सो अभी पहुंच गए, अभी अभी बस से उतरा, अभी अपने दोस्त को कॉल कर दिया हूँ, वो आता ही होगा अभी। उसने कहा कि इधर इस रोड पे सीधे सीधे चल रहे, वो निकल रहा है बाहर, देखते हैं कहाँ से निकलता है वो। पता नहीं, इस एरिया में तो पहला बार आया हूँ, मिल जाए तो अच्छा है। जल्दी से, अरे सामने आ जाना, धूप बहुत ख़तरनाक निकला हुआ है। मेरा सनग्लास जो है वो मिल नहीं रहा आज, पता नहीं कहाँ चला गया, इतना ख़तरनाक धूप निकला हुआ कि बॉडी वगैरह टैन ना हो जाए तो शूट करते टाइम प्रॉब्लम होगा। देखते हैं वो कहाँ पर है, अभी तक तो दिख नहीं रहा है, सीधे सीधे चलते हैं। चलिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, यहाँ पे पीछे बहुत सारे फैक्ट्रीज है। अभी इस एरिया, इस रोड पे तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन जहाँ बस से उतरा वहाँ पे लगातार एक के बाद एक फैक्ट्रीज है, तो वही हाइड रोड एरिया जो है उस उधर ही पे है। देखते हैं कहाँ पर है वो दोस्त, दोस्त मिल जाए तो फिर बात करते हैं। अभी खड़ा हुआ है सो अभी अभी मेरा दोस्त मिला, इसको तो बहुत लोग जानते होंगे आप में से, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो इसका नाम है दिवेंदु बैनर्जी। ब्लॉग बना, हाँ हाँ अभी ब्लॉग बन रहा है। ये भाई साहब मेरे साथ बंगला में बात करते हैं और स्कूल में जाके हिंदी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसलिए अभी थोड़ा पर्सनल चैट में थोड़ा बंगला चल रहा है। तो अभी इसके घर चलते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। मेरा कैमरा का बैटरी भी अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, चार्ज करना भूल गया था कैमरा बैटरी। सो देखते हैं अगर इसके घर में चार्जर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा मेरा ब्लॉग आज का। सो ब्लॉग भारत के लिए ना, हाँ सो अभी मिलते हैं, अभी थोड़ा पापा को कॉल करके बता देता हूँ क्योंकि इस एरिया में पहला बार आया हूँ तो घर में थोड़ा टेंशन में है वो लोग, तो बता देता हूँ, उसके बाद फिर बाद में मिलते हैं इसके घर पहुँच कर। शूट के लिए तैयार हो गए हैं, बहुत देर पहले ही आया था, अभी बैठ कर थोड़ा देर रेस्ट किया। सो एक्टर सारे तैयार हो गए, ये एक एक्टर है, क्या नाम है भैया का आपका? आसिफ। भैया तो नहीं है, इसका नाम है आसिफ। ये है दिवेंदु बैनर्जी एंड ये हमारे डायरेक्टर, कैमरामैन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं शूट के लिए, तो अभी फर्स्ट सीन होगा तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद शूट खत्म होने के बाद। तो ये जो आप लोगों ने देखा, ये हमारे फिल्म का एक स्कैनर बन रहा है एक्चुअली। ये स्कैनर की कमी है हमारे पास, स्कैनर है नहीं, तो इसलिए मोबाइल से जुगाड़ लगा के हमें स्कैनर बनाना पड़ रहा है। सो इधर पे अभी मूवी चला दी हम लोग टाइम पास करने के लिए, और जो डायरेक्टर साहब है वो बना रहे स्कैनर हमारा। तो अभी स्कैनर बनता है, तब तक आप लोग थोड़ा कुछ खाना पीना खा के आइए। ए भाई, सो अभी हमारा थोड़ा शूट खत्म हुआ है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, एक छोटा सा ब्रेक लिया हम लोगों ने, अभी लंच करने वाले हम लोग, तो सभी लोग आ गए यहाँ पे। और लास्ट मिनट में हम लोगों के साथ एक और जन जुड़ा था, वो ये एक असिस्टेंट का रोल कर रहा है, अभी ज़्यादा डिटेल्स तो बता नहीं सकता,
इसका नाम है शोमोजीत। सो अभी थोड़ा सा लंच करेंगे, लंच करने के बाद फिर हम लोग ये शूट करने आएंगे। पिछले 5 घंटों से हम लोग शूट कर रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चला 5 घंटे कब बीत गए। दोस्त लोगों के साथ तो टाइम का पता नहीं चलता है, शायद और 3-4 घंटे और चलेगा यहाँ पे शूट। सो फिर अगर बीच में अगर मौका मिले तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा सीन्स ले लूँगा शूट में, और फिर बाद में मिलते नहीं तो। अभी क्लाइमैक्स का शूटिंग किया जा रहा है मूवी के क्लाइमैक्स का। सो सब बाहर है, मैं अभी अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरा अभी रोल है नहीं। मेरा रोल एक्चुअली लास्ट के तरफ में है, छोटा सा रोल है, शायद ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो वो लोग कर रहे हैं अभी। सो गाइज अभी हमारा शूट ख़त्म हुआ, काफ़ी टाइम हो गया, लगभग पूरे 12 घंटे में, 12 घंटे नहीं 11 घंटा मैं यही 10 बजे यहाँ पे पहुँचा था और अभी बज रहे हैं 9। सो अभी जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, मेरा दोस्त मुझे जा रहा है छोड़ने के लिए क्योंकि मैं पहला बार आया हूँ तो इस साइड पे, तो इसलिए मुझे कुछ खास पता नहीं है। आई नो कि बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे अभी, सो इसलिए अभी मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, तो घर पर मिलते हैं। और अभी मैं तो सीन के बारे में, अपने रोल के बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता, बाद में जब रिलीज़ होगा तब आप लोगों को बताऊंगा पूरा अच्छे से। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब रिलीज़ हो उसके पहले मैं एक छोटा सा इंटरव्यू वीडियो टाइप का बना लूँगा अपने सारे एक्टर्स के साथ। सो तब देखेंगे, अभी तो शायद 1 महीने बाद रिलीज़ होगा। सो अभी यहीं पे रखते हैं, अभी घर जल कर फिर मिलते हैं। एंड आई एम फाइनली बैक टू होम। सो आज का दिन बहुत ही लकी रहा मेरे लिए, बहुत सारे दोस्तों से मिलने का मौका मिला। अभी पहले वहाँ शूटिंग पर गया तो लगभग 5-6 दोस्तों से वहाँ पर मिला, अभी घर लौटते टाइम 2 और दोस्त मिल गए मुझे। सो इस तरह मेरा दिन आज का बहुत ही अच्छा रहा। सो आज अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और क्या अच्छा लगा अगर कुछ भी खराब लगा हो आपको तो कॉमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, अलविदा, सायोनारा, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी माई लवली फ्रेंड्स।